हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे क्लास टू का। अभी जो ठीक है ना पेपर हुआ है ये IGKO का 2022 में, ठीक है ना। 12 अक्टूबर को पेपर था ये शायद, तो मुझे पेपर मिला हुआ है और मैं क्लास टू का है ये, तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो गाइडलाइन फॉर द कैंडिडेट्स, क्वेश्चन 35 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है। अब चलिए यहाँ पे गाइडलाइन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या है, ठीक है ना। यू विल गेट एडिशनल 10 मिनट टू फिल अप इंफॉर्मेशन। देखिए आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको ये सब फिल करने के लिए, ठीक है। सेकंड नंबर, राइट नेम, स्कूल कोड, ठीक है ना। आप स्कूल कोड, मोबाइल नंबर और OMR शीट में अच्छी तरीके से लिखेंगे साइन करके, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। फिर लिखा था क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 4 सेक्शन। इसमें 4 सेक्शन है, कौन से? जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 5, लाइफ स्किल के 5 क्वेश्चन और अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन है, जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए जो अचीवर सेक्शन के होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपके वो 1 मार्क्स के होते हैं। अब यहाँ पे आते हैं फोन नंबर पे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना ज़रूरी है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। और कैलकुलेटर परमिटेड नहीं है, यानी कि आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 5, देयर इज द ओनली वन आंसर, यानी कि सिर्फ इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 6 नंबर, टू मेक योर चॉइस आंसर द डार्कनिंग सर्किल। अब जैसे यहाँ पे इस तरीके से दे रखेगा 10 में से ऑप्शन नंबर ABC, तो यहाँ पे सी, तो सी को हम क्या करेंगे? डार्क करेंगे सर्किल को, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे जैसे लिखा है व्हाट डू यू कीप इन एक्वेरियम, एक्वेरियम में हम क्या लिखते हैं? एक्वेरियम में हम रखते हैं किसको? फिश को, ठीक है। तो सी नंबर पे यहाँ पे टिक करेंगे। इस तरीके से आपको डेमोन्स्ट्रेशन बताया गया है यहाँ पे। 6 नंबर पे है, यहाँ पे आपको पेंसिल या ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट से करना है। और 7 नंबर है रफ पेज के लिए, सबसे पीछे आपको एक पेज दे रखा है, रिटर्न OMR शीट टू द, देखिए जब आप एग्ज़ाम देके जाएंगे तो OMR शीट किसको सबमिट करेंगे? अपने एग्जामिनर को। फिर है 9 नंबर, प्लीज़ फिल योर इन्फॉर्मेशन डिटेल स्पेस प्रोवाइडेड ऑन पेज अटेम्प्टिंग द पेपर, ठीक है ना। अपने पर्सनल डिटेल्स को क्या करेंगे? आप लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ये फाउंडेशन बना हुआ है SOF का, साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन, और ये एक बच्चे का है जिसका नाम है अथर्व शुक्ला, तो उन्होंने मुझे अपना पेपर दिया था क्लास सेकेंड में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है सबसे पहला ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द बोट रेस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा आपका जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल है, वो बोट रेस से संबंधित है। तो होली नहीं, इसमें कलर्स खेलते हैं हम, दिवाली, दिवाली में दिए जलाते हैं, बैसाखी आपका कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है, ठीक है ना। जो पंजाबी लोग होते हैं वो लोग मनाते हैं, ठीक है। सिख धर्म के लोग ज़्यादातर बैसाखी मनाते हैं। तो यहाँ पे बोट रेस कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपकी कहाँ पे, किस फेस्टिवल में? ओनम में। और ओनम फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है? केरला में, ठीक है ना, केरला में। अब देखिए ये जो बोट रेस होती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है वल्लम कली, ठीक है ना। देखिए ये सब याद रखिए, वल्लम कली, वल्लम कली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये किस लेक में होता है? देखिए ये लेक है ना, पानी में होगा, तो किस जगह पे ये होता है? तो ये जो लेक है इसका नाम है पुरम्बा दा लेक, क्या ना है, क्या नाम है? पुन्नमा दा लेक, ठीक है ना। नाम भी ऐसे होते हैं साउथ इंडिया वाले, PUNNAMADA, पुन्नमडा लेक, ठीक है ना। चलिए और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कभी कभी ये भी पूछा जाता है, पैडल्ड बोट होती है, मतलब कि इनको चप्पू यानी कि हाथ से चलाने वाली होती है। देखिए यहाँ पे ये लोग चला रहे हैं इसको, साथ ही साथ इस बोट को हम किस नाम से जानते हैं? स्नेक बोट के नाम से जानते हैं, स्नेक बोट। क्यों? क्यों? क्योंकि ये इसकी जो देखिए बोट बनी हुई है ये सांप के जैसा लग रहा है, ठीक है। तो स्नेक बोट भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, स्नेक बोट वाली रेस कहाँ पर होती है? तो ओणम के त्यौहार पर होती है, ठीक है। किस झील में होती है? पुन्नमा, ठीक है ना, पुन्नमा द लेक, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो देखिए सबसे इसमें एक हैरान करने वाली बात यह है कि सन है, सन के बाद तुरंत कौन आता है? मरकरी आता है, उसके बाद आपका आता है वीनस, ठीक है ना। लेकिन समस्या ये है
कि मरकरी सबसे ज़्यादा हॉट प्लेनेट नहीं है, सबसे ज़्यादा हॉट प्लेनेट कौन सा है, तो ये है आपका वीनस, ठीक है ना, ये सेकंड नंबर पे लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट है। क्यों? देखिए वीनस का जो टेम्परेचर है ना वो है 390 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, और ये कहाँ तक लगभग जाता है, 464 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इतना ज़्यादा गर्म है। अब देखिए ये गर्म क्यों है, गर्म ये इसलिए है क्योंकि जो ये H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसके बादलों से ये क्या हुआ है, पूरा का पूरा घिरा हुआ है, और बादल से घिरे होने की वजह से क्या होता है, जो सूर्य की गर्मी आती है इस प्लेनेट पे तो वो बाहर नहीं जा पाती है, इसी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है, तो वो उसे हम कहते हैं वीनस ग्रह को, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पढ़ लेते हैं, सबसे छोटा प्लेनेट है आपका मरकरी, अर्थ जिसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं जिसपे हम लोग रहते हैं, और जुपिटर है आपका सबसे बड़ा प्लेनेट, ठीक है ना। और जो जुपिटर, देखिए इधर जो चार प्लेनेट होते हैं सन के पहले, जैसे कौन कौन सा होता है, मार्स, सॉरी सबसे पहले क्या होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, तो ये चार प्लेनेट जो हुए हैं ये आपके किसके बने हुए हैं, स्टोन से, यानी कि रॉकी प्लेनेट हैं। बाकी इधर जो आपके बने हुए हैं जुपिटर, ठीक है ना, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आपके किसके बने हुए हैं, ये सब गैस के बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीनस। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच हु एमंग द फॉलोइंग मेक्स आयरन टूल्स, यानी कि आयरन टूल्स कौन बनाता है, तो ये आपका बनाता है कौन, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, ठीक है ना। कॉबलर क्या करता है, आपके जो जूते शूज होते हैं उनको ये रिपेयर करता है, मेसॉन मतलब मिस्त्री जो आपके घर बनाता है, और साथ ही साथ प्लम्बर जो आपके घर के पाइप्स और टैप्स को फिट करता है। अब आते हैं फोर नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एडल्ट टू अ फॉन, तो जो डियर होता है, डियर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, फॉन बोलते हैं, और जब इनका बच्चा बड़ा होता है यानी कि एडल्ट होता है तो क्या बनता है, डियर बनता है। अब यहाँ पे ये गाय है, गाय के बच्चे को हम क्या कहते हैं, काल्फ कहते हैं, तो CALF, काल्फ। लायन के बच्चे को कब कहते हैं, और हॉर्स के बच्चे को क्या कहते हैं, देखिए हॉर्स के बच्चे को अगर मेल है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लॉट, कॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना, CULT, कॉल्ट। अगर वो फीमेल है तो उसे क्या बोलते हैं, फिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिली बोलते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए अब आते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन पे। फाइव नंबर क्वेश्चन है, फिरन इधर ट्रेडिशनल ड्रेस, फिरन जो ड्रेस है वो कहाँ पे पहना जाता है, तो दोस्तों ये पहना जाता है आपका कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है ना, कहाँ पे पहना जाता है, कश्मीर में, ठीक है। और ये जो फिरन ड्रेस है इसे मेल और फीमेल दोनों लोग पहनते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन पे, सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच इज़ द ओनली कंट्री दैट इज आल्सो कॉन्टिनेंट, यानी कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो इसके नाम पे कॉन्टिनेंट भी है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो है एशिया। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका रसिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके कितने कॉन्टिनेंट हैं, सेवन, तो उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन है, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके, और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज ईटन एट द वेजिटेबल, यानी कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसे वेजिटेबल के फॉर्म में खाते हैं, तो देखिए ये है आपका ब्रिंजल, ब्रिंजल, ठीक है ना। देखिए ये होता क्या है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, कन्फ्यूज क्या है, देखिए ये जो ब्रिंजल है ना, ब्रिंजल आपका किस में आता है, ये आपका वेजिटेबल में ही आता है, लेकिन जो ब्रिंजल का पेड़ होता है, ब्रिंजल के पेड़ में जो फ्रूट लगता है, ठीक है ना, तो ये यही होता है, मतलब ब्रिंजल के प्लांट का जो फ्रूट होता है ये होता है। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि इसमें जो वेजिटेबल है उसका किसका हम फ्रूट खाते हैं, तो हम ये इसी ब्रिंजल का ही खाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पे, क्वेश्चन नंबर एट हमारा क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लीफ सोन इन द गिवन पिक्चर, यानी कि किसकी लीफ है, किस किस प्लांट की पत्ती है ये, तो ये है दोस्तों आपकी पपाया लीफ, ठीक है ना, जो पपीता हो आप खाते हैं पपाया लीफ है, ठीक है ना। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, देखिए क्वेश्चन ये सब पूछता है पेपर में, साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका नाम है कैरिका पपाया, कैरिका पपाया, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि पपीता अगर आप खाते हैं तो आपको लीवर और पीलिया जैसे रोग क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, दूर रहते हैं। और जो इसके दूध से एक दवा बनाई जाती है, उस दवा का नाम है पपेन, ठीक है ना, उस दवा का नाम है पपेन। और ये पपेन दवा किसको दी जाती है, बीपी के मरीजों को दी जाती है। और पपीता खाने से क्या होता है, आपका मोटापा भी दूर रहता है, ठीक है ना, आपको मोटापा नहीं होता, ओबिसिटी नहीं होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पिज्जा एंड पास्ता द ट्रेडिशनल डिश है। देखिए ये सब तो मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, तो पास्ता और पिज्जा आपका कहाँ पे है, इटली का है, ठीक है ना, बहुत बार इसको पढ़ा चुका हूँ। और एक ट्रेडिशनल डिश है सुशी, ये आप कहाँ का है, जापान का, ठीक है ना। चलिए चलिए, इटली की कैपिटल क्या है, रोम, ये भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंचा स्टैचू किसका है, ये किसकी स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और इसे हम कहते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या कहते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब देखिए इसके जो आर्किटेक्ट थे, आर्किटेक्ट का नाम क्या है, जो इसे बनाया था, इनका नाम है रामवी सुतार, ठीक है ना, रामवी सुतार। तो इन्होंने बनाया था, किस कंपनी ने बनाया था, तो एलएनटी, ठीक है ना, लखनऊ मेट्रो का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, लखनऊ मेट्रो को भी किसने बनाया, एलएनटी कंपनी ने बनाया है, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, तो वो है 182 मीटर, ठीक है। कब इसको खोला गया, कब ये शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ 31 अक्टूबर 2018 में, ठीक है ना। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, ये हमारे फर्स्ट डेपुटी प्राइम मिनिस्टर थे, साथ ही साथ इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे, होम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया के। चलिए अब आगे आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग की कीबोर्ड कैन बी यूज द टेलीफोन नंबर, तो टेलीफोन नंबर 123 दबाने के लिए हमें टेलीफोन लगाने के लिए नंबर चाहिए, तो इनमें कौन से होंगे आपके नंबर की, ठीक है। अब ये आपका आता है अल्फ़ाबेट की, यानी कि ए से लेके जेड तक जितनी चीज़ें दे रखती है उन्हें अल्फ़ाबेट की कहते हैं। फंक्शन की में जो F1, F2, F12 दिया रहता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, फंक्शन की कहते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन आवर बॉडी हैज़ बीन शेप, बीन शेप की कौन हमारे बॉडी में क्या होता है, तो वो होता है हमारा किडनी, ठीक है ना। किडनी किसका पार्ट है, एक्सरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये क्या करता है, हमारे ब्लड से चीज़ों जो वेस्ट होते हैं, ठीक है ना, वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करता है, क्या करता है, उनको फिल्टर करता है, ठीक है ना। दो किडनी होती है हमारे पास, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, दो किडनी होती है, ठीक है। और किडनी में कभी कभी स्टोन भी हो जाता है, आपने सुना होगा, तो जो किडनी में स्टोन हो जाता है वो बनता किसका है, कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, आइडेंटिफाई द रोड साइन राइट कर्व एट, मतलब राइट साइड में क्या करना है, कर्व लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये सब जो यू की तरह बने हुए, तो यू टर्न वाले हैं, तो यू टर्न हमें करना ही नहीं है, ठीक है। राइट साइड आप देखिए, ये है आपका लेफ्ट साइड, अभी आप फोन देख रहे होंगे, तो ये है आपका लेफ्ट साइड, ठीक है ना, और इधर आपका है राइट साइड, तो राइट साइड में हमें टर्न लेना है आगे चल के। तो ये देखिए ये सीधा जा रहा है, राइट में जाएगा तो ऐसे होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए ये लेफ्ट टर्न हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी लेफ्ट टर्न है आपका, ठीक है, लेकिन ये कर्व टर्न नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये यू टर्न है, राइट यू टर्न है। चलिए अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है ए सेकेंडरी कलर, ठीक है ना, ए सेकेंडरी कलर इज द कलर मेड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स, ठीक है, विच कलर यू गेट मिक्सिंग रेड एंड ब्लू, अगर रेड और ब्लू को आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो कौन सा कलर बनता है, तो ये बनेगा दोस्तों पर्पल, ठीक है। चलिए अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, द व्हीकल शोन इन द पिक्चर यूज टू, देखिए ये क्या है, एम्बुलेंस है, तो एम्बुलेंस का काम क्या होता है दोस्तों, कैरी हैवी मटेरियल, नहीं ये ट्रक्स के काम होते हैं, कैरी पेशेंट, बिल्कुल सही बात है, जो पेशेंट यानी कि जो मरीज होते हैं, मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम एम्बुलेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखिए जो आपकी लेटर्स कैरी करने के लिए होती है उसे हम कहते हैं पोस्टल वैन, क्या कहते हैं, पोस्टल वैन, और प्रिजनर्स को जो ले जाती है वो क्या होती है, पुलिस वैन,
ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं 16 नंबर पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द होल इन द ओजोन लेयर लोकेटेड। ओजोन लेयर में जो होल है वो कहाँ पे लोकेट, कहाँ पे मिला था? तो ये मिला था हमें अंटार्कटिका में। अब देखिए ओजोन के बारे में क्या जानना जरूरी है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक, ओजोन लेयर जो है वो हमें कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ये 15 से लेके 30 किलोमीटर के बीच में होती है अर्थ सरफेस के ऊपर, और ये हमें बचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है ना, किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ओजोन का फार्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली स्पेल से फ्रूट, यानी कि जो पोमीग्रेनेट होता है उसकी स्पेलिंग क्या है, आपसे ये पूछा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, पोमीग्रेनेट। 18 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैथोलॉजी हु ब्रॉट द रिवर गंगा फ्रॉम अर्थ फ्रॉम द हेवन, यानी कि जो स्वर्ग से धरती पे गंगा को लेकर कौन आया था, इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है भागीरथी। ठीक है ना, राजा भागीरथी। ठीक है, तो इन्होंने गंगा को लेकर आया था। अब देखिए अगर आप भगवान शिव की फोटो देखेंगे, ठीक है ना, भगवान शिव की फोटो देखेंगे, तो भगवान शिव के जो बाल हैं, ठीक है ना, उनका जो सर है, सर के ऊपर जो उनका बाल है वहीं से गंगा निकलती है। ठीक है ना, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो महादेव जो हैं उनके जो जटा है उनके जटे से ही गंगा नदी निकलती है। चलिए अब आगे आते हैं, अब इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे वाल्मीकि जी का नाम लिखा, तो आपने सुना होगा रामायण, ठीक है ना, तो रामायण किसने लिखी है? महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, और महाभारत किसने लिखी है? महर्षि वेद व्यास ने। ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानेंगे। ठीक है, और जो भगवत गीता है, भगवत गीता में उपदेश किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी रेड बॉल्स आर देन इन द स्नूकर, तो स्नूकर में कितने रेड बॉल होते हैं दोस्तों? तो ये होता है 15, और इंडिया के ये टेबल पर खेला जाता है। किस पे खेला जाता है? टेबल पे। और इंडिया के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी। क्या नाम है इनका? पंकज आडवाणी। ठीक है ना, ये स्नूकर के ही खिलाड़ी हैं और बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, पेन ड्राइव इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ द थर्ड पेन ड्राइव टू द लेफ्ट एंड। ठीक है ना, तो लेफ्ट एंड से हमें क्या करना है? सबसे पहले सेकेंड टू द राइट, तो सेकेंड टू द राइट कौन सा होगा? जे होगा। ठीक है ना, क्या होगा? जे होगा। चलिए तो इसका आंसर, तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो थर्ड पेन ड्राइव है, थर्ड पेन ड्राइव के, ठीक है ना, सेकेंड नंबर पे कौन है? तो ये है 1 और 2, तो क्या हो जाएगा? यल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर से। देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर से क्वेश्चन आते भी हैं। तो सबसे पहला है 21 नंबर क्वेश्चन, बीजिंग। देखिए बीजिंग कहाँ पे? तो बीजिंग है चाइना के अंदर। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीजिंग में जो 2022 के ओलंपिक हुए हैं जिन्हें विंटर ओलंपिक्स के नाम से हम जान रहे हैं, तो ये कब हुआ? ये कौन सा ओलंपिक का पार्ट था? तो ये था 24th ओलंपिक। ठीक है, अब देखिए 1896 में, ठीक है ना, सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स क्या हुए थे? स्टार्ट हुए थे। अब देखिए थीम क्या था? थीम था वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन वर्ल्ड वन फैमिली, वन फैमिली। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? 22 में क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हु इज़ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट रशिया के कौन है? तो इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये रशिया के हैं, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और वहाँ पे जो आपका करेंसी चलता है उसका नाम है रूबल। सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ जस्टिन ट्रूडो, ये कहाँ के हैं? ये है कनाडा के। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। ठीक है, और ये देखिए जिनके जिनके साथ युद्ध हो रहा है, बगल वाली कंट्री कौन सी है? ये है आपकी यूक्रेन। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है वोलोदोमिर जेलेंस्की। ठीक है, और यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव, KYIV। ठीक है ना, KYIV। ठीक है, चलिए अब देखिए जो यहाँ की
यूक्रेन है, यूक्रेन की जो करेंसी है दोस्तों उसका क्या नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका नाम है हरवेनिया, HARVNIA, हरवेनिया, ठीक है, हरवेनिया यहाँ की करेंसी है, कहाँ की, यूक्रेन की, ठीक है। देखिए स्पेलिंग अच्छी नहीं है मैं मान रहा हूँ, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन पे ऐसा ही लिखने को मिलता है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। चलिए वो तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, हरवेनिया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ 20 रुपी नोट इन इंडिया। 20 रुपी नोट जो है, ठीक है, 20 रुपी नोट का कलर क्या है, तो दोस्तों ये है आपका ग्रीनिश येलो, कैसा है, ग्रीनिश येलो। और लेवेंडर कलर की जो नोट है वो कौन सी है, 100 रुपए की नोट, ठीक है ना, क्या है, 100 रुपए की नोट। चॉकलेट ब्राउन कलर की कौन सी नोट है, वो है 10 रुपए की नोट। और स्टोन ग्रे ये है आपकी 500 रुपए की नोट, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन टीचर डे सेलिब्रेटेड, तो टीचर डे कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, किस दिन, किसका बर्थडे होता है इस दिन, तो बर्थडे होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन क्या, ठीक है। चलिए अब आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा जो है, हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, और साथ ही साथ पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी में आता है, तो इसका आंसर है मनोहर लाल खट्टर, क्या नाम है, मनोहर लाल खट्टर। चल अब लाइफ स्किल पे क्वेश्चन आ गए हैं, लाइफ स्किल के क्वेश्चन हम करेंगे। राज इज क्राइंग, इट मीन्स दैट, राज देखिए क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो वो कैसा फील करेगा, तो फील करेगा एक्साइटेड, यानी कि बहुत एक्साइटेड है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो 27 नंबर क्वेश्चन पे, वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस यू शुड, यानी कि जब हम बस से चलते हैं, ठीक है ना, बस में बैठे रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, लिखा है लीन आउट द विंडो, क्या हमें खिड़की से बाहर झुकना चाहिए, नहीं, नॉट ब्लॉक द ड्राइवर्स व्यू इन द मिरर, टॉक शुड टॉक अलाउड एंड शाउट द फेलो पैसेंजर, ओपन द विंडो एंड थ्रो थिंग्स, ठीक है ना। तो इसका क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि हमें जो ड्राइवर का व्यू होता है मिरर में, उसे हमें रोकना नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। लीन आउट विंडो यानी कि हमें विंडो से बाहर नहीं, अपने बॉडी को बाहर नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गुड टेबल मैनर, तो पहला क्या है, च्यूइंग विथ योर माउथ क्लोज, ठीक है, फिर है आपका यूजिंग फॉक फॉर ईटिंग, प्लेसिंग नैपकिन इन योर लैप, बर्पिंग अलाउड इन द मिडिल ऑफ मील। देखिए बर्पिंग अलाउड का मतलब क्या होता है, कि बहुत तेज़ी से डकार लेना, तो क्या हमें डकार लेना चाहिए बहुत तेज़ी से, ठीक है, टेबल पे जब हम खाना खा रहे होते, तो नहीं, इसमें पूछा था कौन सी अच्छी हैबिट नहीं है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हमें अपने नैपकिन रखना चाहिए लैप पे, ठीक है, फॉर्क यूज़ करना चाहिए खाने के लिए, और अब जब हम खाना चबा रहे होते हैं तो हमें मुंह बंद करके चबाना चाहिए, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, यू शुड वियर ए लाइफ जैकेट वाइल, लाइफ जैकेट हमें कब पहनना चाहिए, प्लेइंग ए वाटर स्पोर्ट, तो बिल्कुल सही बात है कि जब हम वाटर स्पोर्ट खेलते हैं तो हमें वहाँ पर जैकेट्स यूज़ करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आज जेब्रा क्रॉसिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, रोड पे यूज़ करते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड जेस्चर टुवर्ड्स आवर फैमिली, तो क्वेश्चन क्या है, वी शुड विश, क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा गलत है, ठीक है ना, मतलब कौन सा अच्छा जेस्चर नहीं है, अच्छी आदतें नहीं हैं, वी शुड विश योर सेइंग गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग गुड नाइट कहना ही चाहिए, व्हेन वी डू नॉट मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको सॉरी बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 3rd नंबर है, वी शुड स्पीक रूडली टू देम व्हेन दे डू नॉट फुलफिल आवर डिमांड्स, अगर आपकी डिमांड्स यानी कि आपने जो ख्वाहिश कही है अगर वो पूरी नहीं होती, तो क्या आपको रूडली बात करना चाहिए, नहीं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वी शुड हेल्प देम टू मेक देयर वर्क ईजी, अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे उनका काम ईजी हो जाए। अब देखिए अचीवर सेक्शन पर आ जाते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे, 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, कि देखिए यहाँ पे कंट्री के उस पे हमें टिक करना है करेंसी पे। चलिए तो नेपाल की करेंसी क्या है दोस्तों, रूपी, म्यांमार की करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है क्यात, ठीक है, बांग्लादेश की करेंसी है टका, और भूटान की करेंसी क्या है, नगुल ड्रम, तो क्या बन रहा है, 3-1
3124 कहाँ पे है? 3124, 3124 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए 3124। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है। फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड एवरी ईयर, ठीक है बिल्कुल सही बात है, 4 साल के बाद ही फीफा होता है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप किसके लिए होता है, फुटबॉल के लिए, ये भी जानते रहिए फुटबॉल। अब यहाँ पे है डेविस कप एसोसिएटेड विद क्रिकेट, नहीं डेविस कप जो एसोसिएटेड है वो है टेनिस से, किससे है, टेनिस से। टाइगर वुड्स द गोल्फर, बिल्कुल सही बात है, ये अमेरिका के हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन द ग्रास कोर्ट, तो ये भी ठीक बात है। ठीक है, चलिए तो इसमें गलत कौन सा था, तो ये था ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। फिल इन द ब्लैंक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से इसमें भरना है कि हम क्या भर सकते हैं। चलिए, बिफोर आई ईट आई विल डैश दिस डैश ऑफ एप्पल, देखिए एप्पल है तो एप्पल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे होगा देखिए एप्पल्स लिखा है, एप्पल्स का मतलब है कि एक से ज़्यादा एप्पल है, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, पेयर। पेयर का मतलब होता है जब कोई चीज़ दो होती है, ठीक है, तो यहाँ पे हम पेयर लिखेंगे, साथ ही साथ पेयर लिखेंगे। ये पेयर का मतलब क्या होता है कि छीलना, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने एप्पल खरीद के लाया तो आप उसको छील लेते हैं उसके बाद खाते हैं, तो पेयर ऑफ एप्पल हो जाएगा, यानी कि दो एप्पल्स हैं उन्हें हमें खाना है। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, पहले ले ये इसको टिक कर दे, तो ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ डिजिट इज 12, यानी कि जब आप मुझे सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, चलिए तो 8, 1, 9, 9 और 3, 12, ठीक है, 8, 3, 12, 8, 3, 11 और 12, ठीक है, 5, 4, 9, ये भी 12 आ रहा है। अब देखिए 3, 2, 5 और 1, 6, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता सी, क्योंकि इसका जो सम है वो 12 नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन क्या करेंगे, द टेंथ डिजिट प्लेस इज टू मोर देन द वंस प्लेस, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वंस प्लेस जो नंबर है, टेंथ प्लेस पे जो नंबर है वो वंस प्लेस पे क्या है, दो ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 है 1 है, तो ये तो माइनस है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब सेकंड चेक करते हैं, वंस प्लेस पे जो नंबर दिया है 1, तो 1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो टेंथ प्लेस पे कितना आ रहा है, 3, ठीक है, तो 3 आना चाहिए, क्योंकि जो टेंथ प्लेस का नंबर है वो वंस प्लेस के नंबर से 2 ज़्यादा है, तो 1 से अगर 2 ज़्यादा क्या होगा, तो क्या होगा, 3, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे 7 होना चाहिए था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर एट द गिवन प्लेस कैन बी यूज, कंप्यूटर ये जो शॉप होती है, शॉप पे कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है, प्रिंट पासबुक, नहीं ये काम कहाँ पे होता है, बैंक में। प्रिंट न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर एजेंसी में होगा जहाँ पे छापा जाता है। जनरेट बिल्स, ठीक है, तो दुकान पे आप जाते हैं तो बिल्स यहाँ पे जनरेट होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ट्रीट पेशेंट, तो ट्रीट पेशेंट आप कहाँ पे होता है, हॉस्पिटल में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखिए बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मैं आपको डोनेट करना चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए ये मेरा है UPI नंबर 7007989164, ये मेरा गूगल पे नंबर है, ठीक है, और मेरा नाम लिख के आएगा सुधीर। ठीक है, आप इस पर क्या कर सकते हैं, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। चलिए तो यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, और सभी को नमस्कार, जय हिंद।